हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांश सिंह और मैं 18 साल का हूं और अभी मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं और मैं आप लोगों के साथ अपना ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। तो मुझे आज तीसरा दिन हो चुका है, तो तीनों दिन का मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। तो पहले दिन पे मुझे काफ़ी कुछ मालूम था क्योंकि मैंने वीडियोज़ वगैरह देख रखी थी कि कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ब्रेक लगाते हैं, तो उसका मुझे काफ़ी अच्छे से आइडिया था। मुझे बेसिक्स क्लियर थे लेकिन चलाने में और वीडियोस देखने में बहुत अंतर होता है, इसलिए जब मैं पहले बैठा मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन जब गाड़ी हाथ में होती तो एक डर आ जाता है क्योंकि आपके हाथों में दूसरे लोग जो आपकी गाड़ी में बैठे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसलिए जब कोई सामने से ट्रक वगैरह आ रहा होता है या फिर कोई व्हीकल आता है तो हमें डर लगता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही कि वहाँ पर डरना नहीं है। और फर्स्ट डे पर ये मैंने सीख लिया था कि जब भी कोई सामने से चीज़ आती है तो वो इंसान भी चलाना जानता है तो वो अपनी लेन से निकाल लेगा, इसलिए हमें अपनी लेन पे मेंटेन रहना है। और इस फर्स्ट डे पे मैंने नॉर्मल बस स्टार्ट करना सीखी थी, तो स्टार्ट करने में नॉर्मल होता है कि हम लोग क्लच दबाते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, हैंड ब्रेक हटाते हैं और फिर फर्स्ट गियर डाल के स्टार्ट कर देते हैं। मेन इसमें यह रहता है कि क्लच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो क्लच धीरे धीरे छोड़ना है। मेन यही प्रॉब्लम लोगों के साथ आती है कि वो लोग जल्दी से क्लच छोड़ देते हैं और गाड़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा धक्का ले लेती है, मतलब कि अटकने लगती है, इसलिए धीरे धीरे छोड़ना है ताकि स्मूथ वे में गाड़ी आगे बढ़ सके। और जब क्लच छोड़ दें तब हम लोग एक्सीलरेटर ले सकते हैं। मेनली ये रहता है कि जैसे जैसे क्लच छोड़ रहे हैं वैसे एक्सीलरेटर देना चाहिए, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको बेसिक्स अच्छे से आते हैं, जिनको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है। लेकिन अभी मैं नया हूँ इसलिए मैं जब पूरा क्लच छोड़ देता हूँ उसके बाद मैं एक्सीलरेटर लेता हूँ। और ये मैंने फर्स्ट डे पे चलाना सीखी, फर्स्ट डे पे मैं अकेला था, लेकिन फिर सेकंड डे आता है, सेकंड डे पे मेरा भाई मेरे साथ था जिनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है कार चलाने का, उन्होंने 15 दिन कोचिंग ली थी तो वहाँ से उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया है और उन्होंने काफ़ी अच्छी चलाई। सेकंड डे पे मेनली ये हुआ कि जब मुझे ब्रेक लगानी थी तो मैं एक्सेलरेटर धीरे धीरे छोड़ रहा था, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगी और जहाँ पर मैं तराया पे था वहाँ से मैं थोड़ा आगे बढ़ गया जबकि मुझे पहले ही रोकनी थी, लेकिन वहाँ पर रश नहीं था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसी दिन फिर पापा ने मुझे रिंग रोड पे ले गए, वहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना सिखाया। ब्रेक में मेनली होता है कि जब गाड़ी चल रही होती है और स्लो करनी होती है तो गाड़ी रुके ना, उसका इंजन ऑफ ना हो जाए, इसलिए हम लोग एक्सेलरेटर पूरा ले लेते हैं। अभी मैं नया हूँ इसलिए मैं पूरा एक्सेलरेटर लेता हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक लगाता हूँ और फिर उसके बाद धीरे से गियर चेंज करके फर्स्ट गियर पर ला के, अगर थर्ड पे है या सेकेंड पे है उसे फर्स्ट गियर पर ला के हम लोग छोड़ देते हैं धीरे धीरे, ताकि गाड़ी फिर से चल जाए, मोशन में हो और उसका जो इंजन है वो बंद ना हो। और फर्स्ट डे पे मैं ये गलती कर रहा था कि मुझसे इंजन 2-3 बार बंद हो गया था, तो सेकंड डे पे मैं ये समझ गया कि कैसे इंजन बंद ना हो। फिर थर्ड डे आता है, थर्ड डे पे मैंने कुछ ज़्यादा नया नहीं सीखा लेकिन अपनी लेन पे रहना मैंने सीखा। रिंग रोड पे ही गया था, उस पर अपनी लेन मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गाड़ी कि मतलब कि जब हम गियर चेंज कर रहे होते, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी कि जब भी मैं गियर चेंज कर रहा था तो मैं उसी साइड ले जा रहा था, जैसे मैं लेफ्ट साइड से गियर चेंज करता हूँ तो मैं लेफ्ट साइड थोड़ी गाड़ी ले जा रहा था, जो कि बहुत गलत है। अपनी जो मतलब स्टेयरिंग है वो एकदम स्टेबल होनी चाहिए, चाहे आप गियर डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो स्टेबल रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ मुझे समझ आई। और उसके बाद मेनली ब्रेक जब हम दबाते हैं तो हमें गाड़ी पूरी रोक नहीं देनी, उसे एकदम स्लो करनी है फिर चालू करनी, ये चीज़ मैंने सीखी थर्ड डे पे। और अभी तक थर्ड डे का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और ये जो तीनों दिन थे मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग थे और मैं आगे भी कार सीखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा। थैंक यू।